भारत में नए कोरोना स्ट्रेन की दस्तक से बढ़ी चिंता। यूके से लौटे 6 लोगों में मिला संक्रमण, 70% ज्यादा संक्रामक है कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन। राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे फिल्मी दुनिया के भगवान रजनीकांत, तबीयत खराब होने को बताया ईश्वर की चेतावनी, बोले मरते दम तक करते रहेंगे तमिलनाडु की जनता की सेवा। पंजाब में आक्रामक हुआ किसान आंदोलन, आंदोलनकारियों ने तोड़ा मोबाइल टावर्स, पेट्रोल पंपों पर भी मचाया उत्पात, सीएम अमरिंदर सिंह ने दी चेतावनी, दोषियों पर होगी कार्रवाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का शुभारंभ, रेलवे को नई पहचान देगा यह प्रोजेक्ट, आजादी के बाद प्रारंभ सबसे बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट है कॉरिडोर, रोजगार और सुविधा दोनों को मिलेगा बल। भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बनने के रास्ते पर की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब बेहतरीन कनेक्टिविटी देश की प्राथमिकता है। इसी सोच के साथ बीते 6 सालों से भारत में आधुनिक कनेक्टिविटी के हर पहलू पर फोकस के साथ काम किया जा रहा है। कर्नाटक विधानसभा के डिप्टी स्पीकर धर्मेगौड़ा की मौत, रेलवे ट्रैक के पास संदिग्ध हालत में मिला शव, पुलिस को आत्महत्या की आशंका, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी ने जताया हत्या का अंदेशा, कुछ दिन पहले विधानसभा में हुई थी धक्का मुक्की। मोदी सरकार ने प्याज के निर्यात से हटाया प्रतिबंध, 1 जनवरी से फिर शुरू होगा एक्सपोर्ट, बेंगलोर, रोजा और कृष्णापुरम से भी हटाई गई पाबंदी, प्याज के दामों में बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार ने निर्यात पर लगाया था प्रतिबंध। और फ्रांस के 3 सैनिकों की माली में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान मौत, राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने जताया शोक, दी चेतावनी, बदला लेगी फ्रांसीसी सेना। अमेरिका की नई तिब्बत नीति पर किए हस्ताक्षर, अगला दलाई लामा चुनेंगे तिब्बती बौद्ध, चीनी सरकार का नहीं होगा हस्तक्षेप। तीसरी नोटिस के बावजूद ईडी के सामने नहीं पेश होंगी संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत, शिवसेना सांसद संजय राउत ने ट्वीट में पोस्ट की शायरी, मैं जब भी बिखरा हूं दुगनी रफ्तार से निखरा हूं। और नई मुंबई के कलमबोली मार्केट में अवैध निर्माण को लेकर बीजेपी नेता परेश ठाकुर ने खोला मोर्चा, उपायुक्त विट्ठल डाके और वार्ड अधिकारी पर लगाया हफ्ता लेकर अवैध निर्माण करवाने का आरोप, कार्रवाई नहीं करने पर दी आंदोलन की धमकी। यहाँ पे उपायुक्त डाकी साहब ये मुझे बताने को तैयार नहीं है, वहाँ पे कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। पनवेल के लोगों ने एक बड़ी विश्वास के साथ में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे सत्ता दी हुई है और यहाँ पे उनका विश्वास है, वो अगर मैं यहाँ पे सार्थ नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं उसको न्याय नहीं दे सकता हूँ तो ये गलत होगा। इसके लिए खुद के सत्ता के खिलाफ ही मैंने यहाँ पे आंदोलन करने का यहाँ पे फैसला लिया। कमिश्नर साहब देशमुख साहब को हम वापस बोलेंगे और बताएंगे, आज के दिन ही यहाँ पे एक्शन लेनी चाहिए। उसके साथ में ही प्रकाश गायकवाड़ जो वार्ड ऑफिसर है उनका तबादला होना ही चाहिए, और जब तक ये होता नहीं है तो अब तब तक हम फिर मतलब पीछे नहीं हटने वाले, और ज़रूरत गिरा तो इसके आगे के स्टेप्स भी हम जरूर लेंगे। पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने नई मुंबई मनपा आयुक्त से 23वीं मुलाकात में उठाया कोरोना उपचार और स्वच्छता का मुद्दा, बोले सिर्फ पुरस्कारों नहीं है स्वच्छता अभियान, 15 फरवरी तक मनपा चुनावों की जताई संभावना, कार्यकर्ताओं से तैयारी में जुटने का आह्वान। त्याच्यानंतर महानगरपालिका निवडणुका होतील, फेब्रुवारी एंड किंवा मार्च पहिल्या आठवड्यापर्यंत महापालिकेची निवडणूक व्हावी अशा प्रकारची चर्चा समाजामध्ये आहे। तर मी माझ्या सहकाऱ्यांना ती 15 फेब्रुवारीलाच निवडणुका होतील अशा पद्धतीनं तुम्ही एकूणच जनसामान्याशी आजवर तुमचा जो एक ऋणानुबंध आहे तो तसा प्रकारचे जागृत करत ठेवा असं सांगितलेलं आहे। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।